हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 738 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो ग्रीन कलर के नीक लाइन दिख रहे हैं 725 रुपीज पर, 725 रुपीज का काफी टाइम से स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। इस प्राइस को तो रिटेस्ट करता है पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में स्टॉक नीचे में 650 रुपीज के प्राइस को भी रिटेस्ट करता है पर इस पॉइंट में काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल रहेगा और जो एक रुकावट रेंज थी 725 रुपीज का, स्टॉक ने इस प्राइस को भी ब्रेकआउट दिया है, ऊपर में हाई बनाया है 807 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर अभी से स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अभी से स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 725 रुपीज का है, जो पहले स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज थी, अभी स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो नीचे में 725 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 810 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।